नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण सूचना लाई हूँ। अब वह सूचना है, उत्तर प्रदेश सचिवालय में विभाग और अनुभाग का क्या संबंध है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में 90 से ज़्यादा विभागों की संख्या है और 350 से ज़्यादा अनुभागों की संख्या है। तो अब जानते हैं कि ये अनुभाग और विभाग कैसे प्रदेश की जनता के हितों का ज़्यादा से ज़्यादा संवर्धन करते हैं। तो देखिए, जो भी कार्य की प्रकृति होती है, यदि सामाजिक कल्याण से संबंधित जो भी कार्य होता है उससे संबंधित कार्य समाज कल्याण विभाग से होता है, सिंचाई से संबंधित जो कार्य होता है वह होता है जल शक्ति विभाग से, वहीं खाद्य रसद से जो भी प्रकरण होते हैं खाद्य आपूर्ति आदि से संबंधित, तो वो कार्य संपादित होते हैं खाद्य रसद विभाग में। और कार्यों के हिसाब से अनुभागों की संख्या हर विभाग में सुनिश्चित की जाती है, अर्थात यदि कार्य बोझ या कार्यों की संख्या ज़्यादा है, ठीक, तो उसके अनुसार अनुभागों की संख्या को बढ़ाया जाता है। यदि कार्य कम है और लगता है कि हाँ इतने अनुभागों की संख्या अगर सृजित कर देते हैं और कार्य सुचारू संचालन हो जाएगा तो हम लोग कम अनुभागों की यहाँ पर सृजन तब किया जाता है। जैसे कि खेल विभाग, खेल विभाग में एक अनुभाग है और उसी अनुभाग के माध्यम से सारे प्रदेश के, हमारे मतलब उत्तर प्रदेश के जो भी खेल गतिविधियों से संबंधित कार्य का संचालन है उसका सुचारू समन्वयन किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ खाद्य रसद को देखिए, खाद्य रसद और उपभोक्ता संरक्षण बाट माप में लगभग 13 अनुभाग है और प्रत्येक अनुभागों का जो कार्य दायित्व है वो अलग अलग है। जैसे खाद्य रसद अनुभाग एक में एक और जहाँ शाखा अधिष्ठान से संबंधित कार्य है, अर्थात खाद्य रसद विभाग के अधिकारियों से संबंधित कार्य को किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ क्लास 1 क्लास 2 खाद्य रसद विभाग से संबंधित अधिकारियों की कार्यों के अधिष्ठान और प्लस उनकी शिकायत संबंधी अधिकारियों को किया जाता है। वहीं खाद्य रसद अनुभाग 2 में क्लास 3 अधिकारियों से संबंधित जो भी कार्य वो देखा जाता है। वहीं खाद्य रसद अनुभाग 3 में बजट से संबंधित कार्य होता है और खाद्य रसद अनुभाग 4 में चावल और मक्के की खरीद आदि से संबंधित कार्य होते हैं। वहीं खाद्य रसद अनुभाग 5 में गेहूँ के क्रय विक्रय आदि से संबंधित कार्यों को देखा जाता है, कैसे उसकी नीति बनानी है ताकि सुचारू संचालन किया जा सके। वहीं खाद्य रसद अनुभाग 6 में पीडीएस से संबंधित समस्त कार्य देखे जाते हैं। इस प्रकार हर अनुभागों का कार्य यहाँ पर बांटा जाता है ताकि विभाग अच्छे से अपने कार्यों को संपादित कर सके और इन अनुभागों के माध्यम से एक संगठित विभाग की संरचना होती है और प्रदेश की हमारी जो जनता है तो उनके हितों का ज़्यादा से ज़्यादा हम संवर्धन कर सके, इसलिए इसका सृजन किया जाता है। तो आज आप जानें विभाग किस प्रकार अनुभाग के माध्यम से अपने कार्यों का सुचारू संचालन करते हैं। इसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।